Children, now we will continue with the continuous tense and we will cover the second kind of continuous tense. In the previous video, I explained you present continuous tense. Now we will move further with past continuous tense. So same pattern applies. जो बेटा present continuous में हमने पढ़ा था वही past continuous में भी पढ़ेंगे but the difference is कि हम यहाँ पे past helping verbs use करेंगे. Present continuous में हम present helping verb use कर रहे थे. Present helping verbs कौन से थे बेटा? Is, am, are. And past continuous tense में was और were होते हैं helping verbs. यानी past helping verbs कौन से हैं? Was and were. Same rule applies also that subject plus past helping verb plus verb plus ing. This is the formula और सारे statements बेटा इस formula से ही बनते हैं कि subject होगा. Subject में आपको find out करना है कि subject singular है कि plural है, फिर उसी हिसाब से आपको helping verb भी लगाने हैं. ये singular के लिए use होता है बेटा और ये plural helping verb के लिए use होता है. ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा वॉज और ये होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगा वर. ठीक. सो लेट्स टेक एग्जाम्पल, यू विल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा बेटा सेंटेंस में तो हम यूज करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है बेटा वॉज और सिमिलर पैटर्न में वर्ब प्लस आई एन जी. क्योंकि कंटिन्यूअस है, हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पास्ट को रेफर करने के लिए हमने लगाया पास्ट हेल्पिंग वर्ब और कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए हमने लगाया वर्ब प्लस आई एन जी. आई क्या है बेटा? एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं आई. आई क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट. आई है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा बेटा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वॉज. वॉज है, देखिए पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं बेटा? वॉज और वर. सो वॉज है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दैट इज वॉज. एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दैट इज वर. ऑल राइट. सो आई इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो आई के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वॉज. पास्ट है बेटा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. सो आई वॉज हैविंग, हैव वर्ब लिया हमने, हैव को हमने आई एन जी एड कर दिया तो हैविंग हो गया. आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट. सेकेंड एग्जाम्पल लेट्स टेक ही. ही क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? एक ही इंसान है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही. सो ही के साथ सिंगुलर पास्ट हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वॉज. वेयरिंग, वेयर प्लस आई एन जी, यानी वेयर वर्ब है, वर्ब प्लस आई एन जी एड किया तो ही वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल शर्ट. लेट्स टेक थर्ड नंबर थ्री एग्जाम्पल. मदर, मदर क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वॉज. मदर वॉज बेकिंग अ केक फॉर मी. सो बेक की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? बेक की स्पेलिंग होती है बी ए के ई, लेकिन इसमें हमने आई एन जी एड किया तो स्पेलिंग चेंज हो जाती है, इसमें ई रिमूव हो जाता है और आई एन जी लग जाता है, तो बेकिंग की स्पेलिंग ये हो गई. ठीक. चिल्ड्रेन, नाउ वी आर टेकिंग प्लूरल सब्जेक्ट. सो जब हमारे सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दैट इज वर एंड वर्ब की आई एन जी फॉर्म, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा. नंबर वन एग्जाम्पल ले रहे हैं. नंबर वन वी. वी क्या है बेटा? प्लूरल. वी क्या होता है? मोर देन वन ना, तो प्लूरल भी मोर देन वन. सो वी वर, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. एन्जॉय, एन्जॉय प्लस आई एन जी, तो एन्जॉयिंग द मैच, वर्ब प्लस आई एन जी कर दिया. नंबर टू चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन क्या है बेटा? प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन है बेटा चिल्ड्रेन. सिंगुलर चिल्ड्रेन का क्या होगा? चाइल्ड. सो चिल्ड्रेन, सिंस चिल्ड्रेन इज अ सब्जेक्ट एंड चिल्ड्रेन इज इन प्लूरल, सो सब्जेक्ट इज प्लूरल. सो वी विल राइट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वर. प्लेइंग इन द गार्डन, प्ले प्लस आई एन जी, प्लेइंग इन द गार्डन. सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला है. अगर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिखना है बेटा
तो ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस पास्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी. पास्ट हेल्पिंग वर्ब ये दो ऊपर दिए हुए हैं, ये वॉज एंड वर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा, ठीक है. और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगाएंगे. इसी तरह हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी फॉर्मूला लिख लें. सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम लगाएंगे इज और वर्ब की आईएनजी फॉर्म. सब्जेक्ट अगर आई है तो हम लगाएंगे एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म. और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम लगाएंगे आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म. तो यहाँ पे हम पी एस लिख देते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पे एस एस लिख देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट. ऑल राइट, सो दिस इज द थ्री फॉर्मूलाज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड दिस इज फॉर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर. इसमें सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर. पी इज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट. बेटा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है, स्पेस नहीं थी इसलिए. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड काइंड ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ऑल राइट, सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं बेटा, शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म. तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म तो बेटा कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेसेसरी है. जहां जहां कॉन्टिन्यूअस होगा वहां वहां हम वर्ब की आई एन जी फॉर्म ले लेंगे, ठीक है बेटा. और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शैल बी और विल बी. ठीक, अब बेटा शैल बी कहां लगाएंगे और विल बी कहां लगाएंगे, ये आप ध्यान से सुनिएगा आगे. अगर सब्जेक्ट हमारा, अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट आई या फिर वी होगा तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शैल बी और फिर आगे वर्ब प्लस आई एन जी फॉर्म. ठीक, और अगर सब्जेक्ट आई और वी नहीं होगा बेटा तो हम हर जगह विल बी लगाएंगे. लेट्स टेक एग्जाम्पल, नंबर वन इज मदर. अब मदर देखिए, हमने क्या बोला था, जब सब्जेक्ट में आई और वी होगा तभी हम शैल बी लगाएंगे, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आई और वी नहीं है तो हम बाकी रेस्ट अदर सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या लगाते हैं, विल बी, ठीक है. तो मदर विल बी वेटिंग, वेट प्लस आई एन जी वेटिंग फॉर अस. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता क्या बेटा, मैंने आपको समझाया था ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब ऐसे एक्शंस विच विल टेक प्लेस इन फ्यूचर एंड विल बी इन द प्रोग्रेसिव फॉर्म. यानी फ्यूचर में जो कोई एक्शन कंटिन्यूअस वे में परफॉर्म हो रहा होगा या हैपन हो रहा होगा तो वो सारे वर्ब्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, ठीक है. सो यहाँ पे आई और वी नहीं था इसलिए हमने शैल बी नहीं लगाया. सो जो भी आई और वी के अलावा सब्जेक्ट्स होंगे, रेस्ट अदर ऑल द सब्जेक्ट्स विल टेक विल बी एज फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब. ऑल राइट, सो मदर विल बी वेटिंग फॉर अस. नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स. अब द स्टूडेंट्स है तो विल बी लर्निंग, यानी फ्यूचर में स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग देयर लेसन्स. लर्न प्लस आई एन जी, लर्न वर्ब है बेटा एंड आई एन जी एड कर दिया तो लर्निंग हो गया. अब आई, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि आई और वी के साथ शैल बी यूज होगा, तो आई सब्जेक्ट है, शैल बी यूज कर दिया, स्टडी फॉर द टेस्ट. यानी फ्यूचर में जब टेस्ट होगा तो आई शैल बी स्टडिंग फॉर द टेस्ट, स्टडी प्लस आई एन जी स्टडी. वी, वी के साथ भी शैल बी यूज होता है तो वी शैल बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन. सो फ्यूचर में जो भी कॉम्पिटिशन होगा विल बी, वी शैल बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट कॉम्पिटिशन. लेट्स टेक द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, शी. अब शी है, शी विल बी सिंगिंग द सॉन्ग इन द फ्यूचर, शील बी सिंगिंग द सॉन्ग. यहाँ पे आई और वी नहीं है बेटा इसलिए हम शैल बी नहीं लगाएंगे. आई और वी होता तो हम, आई और वी होता यहाँ पे सब्जेक्ट तो हम शैल बी लगा देते, बट फॉर द रेस्ट अदर सब्जेक्ट वी यूज विल बी, तो शी विल बी सिंगिंग द सॉन्ग. ठीक, अब यहाँ पे बेटा बस लास्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स. कौन कौन से बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, आई, इट,
या फिर कोई भी एनी सिंगुलर नाउन, कोई भी नाउन हो सिंगुलर हो, जैसे मदर, फादर, चाइल्ड, ठीक, या फिर एनिमल, एन एनिमल, बुक, अ बुक. सो दीज नाउन्स आर सिंगुलर नाउन्स. नाउन आपको पता होना चाहिए बेटा, नाउन क्या होता है. नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ठीक. अब प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं बेटा, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन क्या होगा बेटा, बुक्स, एस लग गया प्लूरल नाउन, एनिमल्स, एस लग गया, सिंगल एनिमल तो एन एनिमल, और बहुत सारे एनिमल्स तो प्लूरल नाउन हो गया. चिल्ड्रेन, ठीक, प्लेयर्स, राइट. सो सिटीज, दीज आर ऑल प्लूरल नाउन. बस आपको इतना डिफरेंस याद रखना है, एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स भी याद रखोगे, देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू फॉर्म द सेंटेंसेज एंड टू कंप्लीट द एक्सरसाइज. नाउ चिल्ड्रन, स्विचिंग टू द बुक्स, बुक एक्सरसाइज दैट इज गिवन ऑन पेज 78. So we have completed all the three kinds of continuous tense. We have completed present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. I hope थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं आया बेटा, then you can ask me on the WhatsApp group. All right. So now let's do the second exercise which is given on page 78 in your English reader book. All right. Change the following sentences. बेटा यहाँ पे जो भी sentence दिए हैं यहाँ पे, और ऊपर फाइव सेंटेंसेस आर गिवन. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द सेंटेंसेस व्हिच इज गिवन इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. बेटा ये सारे सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये सारे सेंटेंसेस आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको चेंज करके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करना है. ये जो सेंटेंस दिए हैं ऑलरेडी बुक में बेटा, ये सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दिए हैं. The job is your is to change into past continuous tense. बहुत easy है बेटा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है. हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले सेंटेंस को रीड करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड आउट द हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड देन वी विल चेंज द प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब इन टू द पास्ट हेल्पिंग वर्ब. दैट्स इट. फर्स्ट वन इज टीना इज राइटिंग अ लेटर. अब इसमें टीना क्या है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट. एस एस इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट. बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत नहीं है, हॉच पॉच हो जाएगा, दैट इज आई हैव रिटन द शॉर्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट. टीना वन पर्सन है, वन गर्ल है, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक. इज है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब विच इज गिवन इन प्रेजेंट फॉर्म. प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है और सिंगुलर है. राइटिंग, राइट प्लस आई एन जी, वर्ब की आई एन जी फॉर्म दी है. अ लेटर, तो ये सेंटेंस दिया है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. हमें इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, कोई मेहनत नहीं है, बस क्या करना है, इस प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब को हमें पास्ट में चेंज कर देना है. टीना, टीना क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट थी तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि पास्ट हेल्पिंग वर्ब है, वॉज राइटिंग अ लेटर. दैट्स इट. ऑल राइट. सो मूविंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, रिया एंड नितिन. आर का पास्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बेटा, वर, ठीक. आर का पास्ट हेल्पिंग वर्ब होता है वर. सो सिंपल, रिया एंड नितिन वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, चेंज कर दिया. आई एम, एम क्या है, प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, यानी प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है, तो वॉज लगा दिया. सिमिलरली फोर्थ, रोहिणी वॉज, इस की जगह हमने वॉज लगा दिया. फिफ्थ वन इज बर्ड्स आर, तो आर की जगह हमने वर लगा दिया, ठीक, क्योंकि आर का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वर. ऑल राइट. और बाकी कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस तो सेम है, बिल्डिंग, गोइंग, रीडिंग, स्विमिंग, दीज आर ऑल कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स गिवन इन द सेंटेंसेस, ठीक. नाउ मूविंग टू द थर्ड एक्सरसाइज, चूज द करेक्ट वर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंसेज इन द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो बेटा ये जो एक्सरसाइज है सी वाली, जिसमें फाइव सेंटेंसेस दिए हैं, सो यू हैव टू Fill in the blanks with the future continuous tense. ठीक. So in brackets में से choose करना है. मैं यहाँ पे tick कर दूंगी and you don't have to tick. You have to write in the blanks full. All right. So future continuous में करना है change. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा
की विल बी एंड प्लस वर्ब की आई एन जी फॉर्म होनी चाहिए. बेटा क्या था हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, दोनों में से एक ही लगेगा बेटा, एंड वर्ब की आई एन जी फॉर्म. शैल बी कहाँ लगेगा बेटा, जब आई और वी होगा सब्जेक्ट. ठीक, जब आई और वी होगा सब्जेक्ट तब शैल बी लगेगा, रेस्ट अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी लगेगा. ठीक, बस इतना ध्यान रखिएगा. ठीक है, फर्स्ट वन इज वी विल बी डूइंग. बेटा ये डू नहीं होगा, क्यों, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस में हम आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, तो डू वर्ब है लेकिन आई एन जी फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा. और क्या होगा, ये वन. सो वी विल बी डूइंग आर होमवर्क टुमारो. इसमें ऑलरेडी बेटा डूइंग दिया हुआ है तो नो नीड टू राइट अगेन डूइंग, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है तो सिंपल यहां पे विल बी लिख दीजिएगा. ठीक है चिल्ड्रन, बट अकॉर्डिंग टू आर फॉर्मूला हमने क्या बताया था पहले कि आई और वी के साथ शैल बी लगता है, राइट. बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, दोनों लग सकते हैं बट द करेक्ट ग्रामर इज कि आई और वी के साथ शैल बी लगाएं, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसलिए हमें इन्हीं दोनों ऑप्शन में से चूज करना है, इसलिए हम विल बी लगा देंगे. ठीक है, मूविंग टू द सेकेंड सेंटेंस, सोहिनी डैश एट द बस स्टॉप when the bus comes there. So क्या होगा, सोहिनी will be waiting. ये करेक्ट है, will wait नहीं होगा बेटा, क्योंकि wait में तो ing लगा ही नहीं है और हमें तो future continuous tense में fill करना है ना blanks, तो ये तो wait में ing form नहीं लगा है तो ये continuous form में नहीं है, इसलिए cross ये हम करेंगे. ठीक, third one is the workers dash till late today. So the workers will be working late till late today. ठीक है, यहाँ पे वर्क है वर्ब लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में वर्ब नहीं है, दैट इज आई एन जी फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा. ये करेक्ट आंसर है, द काउ विल बी ग्रेजिंग इन द फील्ड, शी विल बी ड्रिंकिंग अ हॉट कप ऑफ टी वंस शी कम्स बैक. सो चिल्ड्रन आई होप, ये तो ईजी एक्सरसाइज थी, आई होप यू अंडरस्टूड, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप. So this much is for today's session. Kindly complete your work and exercise on page 78 and 79 and send photos on the group. I will check it and revert to you. Thank you so much children and have a nice day.